चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। तो अखिलेश भैया जीत गई हैं तो यहाँ से सीधा हेलीकॉप्टर से उड़ी हैं इटावा मैनपुरी के बारे में सोची हैं। इटावा मैनपुरी के बारे में अजब है, भोजपुरी में पैदा भैया, यही भोजपुरी माटी में पैदा हो लड़का जब जीती ना तो ये अपने भोजपुरी के बारे में बात करी और यह बात को लोग तकलीफ बा कि आज लतामन सैफई से इटावा से आजमगढ़ के चलावत रही है जा बतावत रही है कि आजमगढ़ हमन का घर है। ये भैया निरहुआ कहां से आ गए, निरहुआ जब से आयल बा तब से आजमगढ़ के बच्चा बच्चा सभी मान लहलस कि अखिलेश भैया तू नेता बहुत बढ़िया हुआ लेकिन जो रास्ता पे तू चलत हुआ वो रास्ता ठीक ना। पूरा देश चाहत बा कि भारत के प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी जी बने, तो कहे चाहत बा पूरा देश एक खातिर चाहत बा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी के पता रहे कि गांव के गरीबन का किसानन का तकलीफ है। गरीब के घर में पैदा भइल हो ना, उन्हों के मतारी गरीब रहनी, गरीब माई के कोख में पैदा भइल ना तो उनके मालूम रह कि गरीब के माई बहिन जब चूल पर खाना बनावनी गोईठा से लकड़ी से तो धुआं अखिया में जाके अखिया खराब कर दे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके गरीबी याद रहे तो का करना, सबसे पहले गांव में गैस कनेक्शन लगावा, हमारे कोनो माई बहन का हाथ खराब ना होके के चाहिए। गरीब घर में पैदा भर लाना उनके पता रहे कि गांव में गरीबन के पास रहे खातिर मुश्किल से घर होला, वो कहां से शौचालय बनवाई है तो वहू को व्यवस्था करो ना ही साफ सफाई से रही है किसान, तब जाके उनका तबियत खराब ना हुई, बीमारी ना लगी और उनका कुल पैसा दवाई में खर्चा ना हुई, तो व्यवस्था कही ना कि सबके शौचालय बनावा, खाली अमीर लोग खातिर ना गरीब लोग खातिर भी सोचना। तो जब ऐसा प्रधानमंत्री जो सीमा पर खड़ा जवान से लेके खेत में खड़ा किसान तक के बारे में सोचत हुआ और उनके प्रधानमंत्री जो पिछला बेर बनौला लोग, तो प्रधानमंत्री बनते वो बात करना कि न लूटब न लूटे। अब जब कहना कि लूटब न लूटे दे तो जितना लूटेरा हवा कुलहिन के पेट में बाई नाद देने कथोरी माई रे माई, ई कौन प्रधानमंत्री आगल हो भैया, इतना लूटत बा न लूटे देत बा, कुल पैसा कहत बा ले जा गांव में शौचालय बनावा, ले जा गांव में सड़क बनावा, ले जा गांव में स्कूल बनवा, कहना ई कुल पैसवा तो भेजत बाण गरीबन क्या, तब हम लूटर कहां से जाए, यही से परेशान हो गए। परेशान होके कुल इकट्ठा हो गया कि चला हमान कुल जाने मिल के रोकल जा, कहे कि जब हमान सरकार बनावल जाई तो कुल जाने मिल के लूटल जाई, तनी तू ले ला तनी तू ले ला तनी तू ले ला। ऐसा आदमी बा न अपने लूटे पा न लूटे देत बा, यही से के रोका। तो नियत जोन होले हो भैया, नियत जोन होले हो बहनी, वह नियतीय फल ले, उन्होंने तो नियत है कि ईमानदार आदमी को रोकना। ईमानदार प्रधानमंत्री जी ये देश के पूरे दुनिया में सबसे मजबूत बना रहे हो उनके रोकदा, यही से जिद कैले हुआ हमारे बड़ भाई हुआ अखिलेश यादव जी और उनकर जीरा
कि नरेंद्र मोदी को आने नहीं देंगे। हम कहने कौने कंपना आवे बा, कहना हम और बहन जी हाथ मिला लिए हैं। तो बहन जी के साथ हाथ मिला लेला, लेकिन तो के पता ना हम और भैया कि निरहुआ तो यहाँ घरे घरे सबसे हाथ मिला ले लिया। तो बहन जी से खाली हाथ मिला के कहत हुआ कि हम आने नहीं देंगे, ताई आजमगढ़ ठान ले ले हा कि हम नरेंद्र मोदी को जाने नहीं देंगे। अब तो हम लोग का कुल इजन ठगबंधन है के बारे में सब जान गए, बच्चा बच्चा के पता है कि कौने नियत से तो हम लोग आवत हुआ चुनाव लड़ा। उनसे पूछायल कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे आप, तो इसका मतलब आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? कहना नहीं, मैं रेस से बाहर हूं। कहो भैया तू प्रधानमंत्री बनवाना, एगो ईमानदार आदमी ईमानदारी से देश के चलावत बा, उनके चलावे देवा ना, तो तू आजमगढ़ का करे आवत हुआ? आजमगढ़ वालन के ठग खातिर हम पूछने की तो हमारे समझ में ना आवत, तमरे गांव के वो पुरनिया दादा बतौल के अरे नहीं रहुआ, तेरे समझ में ना आवत है कि तोरा अखिलेश भैया का करावत हो तो हम बतावत है। हम कभी का करावत हो कहा गौवा में वो कहावत कहल जाला कि न खेलत न खेले देव खेले है, कहना कि तोरा अखिलेश भैया आवत हो खेलवा बिगाड़ है, तो हम कहें कि खेलवा तो ना बिगाड़ दो, खेलवा उनके बिगाड़े ना दे। और यही से वो अगर ये कह के तो स्वागत मांगे आल हो कि भैया हो तो हमारे बिरादर हो है यार आवा, हम तुम्हारे बिरादर से गठबंधन कर ले तू है यार आवा, तो कह दिया लो कि भैया बिरादर हुआ इला भेरी खा पानी पियाया जा। चुनाव बिरादर बतावा खाते हो था, वो मशीनिया में लिखा था कि कौन बिरादर हुआ बटन दबा के बतावा, नहीं चुनाव होता कि तोहन लोग के प्रधानमंत्री चाहिए, तो तोहके जो प्रधानमंत्री चाहिए एक बार बतेगा लोग तोहन लोग के चाहत हो प्रधानमंत्री। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनिहत करो जब कमल का बटन दबलीबा तब, क्यों कितनो भुलाव कितनो समझाव कोनो गलत फहमी में मत पड़िया लोग, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनत हुआ। और हम चाहते निरहुआ हिंदुस्तानी चाहता कि तुम लोग जात धर्म में बटिया लोग मत, दोनों लोग हिंदुस्तान में पैदा भलवा एगो सच्चा हिंदुस्तानी बनके निरहुआ हिंदुस्तानी के साथ खड़ा हो जा और बता डालो कि नरेंद्र मोदी जी आप प्रधानमंत्री बनिए हम आपके साथ हैं। पूरा आलमगढ़ नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुई। और आजकल तो लड़को पुलगा वाला सो जब हम पहले दिन अली आजमगढ़ तो हमार बिरादर लोग बहुत नाराज रहा, उन्होंने लगत रहे कि अरे ये दिनेश अखिलेश से काहे लड़त हो। तो हम जब वहां आईली आज चुप रहो शांत रहा, जब हम यहां आईली सबके बतौली कि अखिलेश यादव हुआ और दिनेश लाल यादव हुआ तो उनसे ऐसे लड़त हुआ कि वो गलती राह पे हुआ हमारे भाई हुआ, लेकिन देश के विरोध में सोचत हुआ जे देश के कमजोर बनावल चाहता होकर साथ देत हुआ, इससे हम उनसे लड़त है कि भले हमारे भाई हो लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहले हो कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महान दुष्कर्म है और न्यायार्थ है अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। भले हमारे भाई हो खा हमारे बाप हो खा, लेकिन अगर गलत राह पे जात हुआ देश के विरोध में जात हुआ तो उनकर रोकल हमार धर्म है और रोके के चाहिए। तो हमें लोग भले तुहार लड़का हो खा तुहार बेटा